फ्रेंड, ये जो मॉक टेस्ट आपके सामने मैं लेके आ चुका हूँ, इस मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप बोल सकते हो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आपने यूट्यूब के अंदर बहुत सारे मॉक टेस्ट क्लियर किया होंगे, लेकिन ये आज का जो मॉक टेस्ट आप एक बार देखोगे लास्ट तक दोस्तों, आपको पता चल जाएगा दोस्तों इसके अंदर कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया दोस्तों। और उससे भी बढ़कर बात है दोस्तों, जब इस मॉक टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद आप रियल वाला एग्जाम देने के लिए जाओगी, जब रियल वाला एग्जाम के लिए एग्जाम देने के लिए जाओगी, तब आपको आइडिया हो जाएगा आज का जो मॉक टेस्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था। इसलिए दोस्तों डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, इसलिए ध्यान से इस मॉक टेस्ट को कंप्लीट करिए। मैं आपको इतना बोल सकता हूं दोस्तों, आपको इस मॉक टेस्ट बहुत ही ज्यादा काम पे आएगा, इसके अंदर से बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिल सकता है दोस्तों एग्जाम हॉल पे डायरेक्ट। इसलिए दोस्तों ध्यान से इस मॉक टेस्ट को कंप्लीट करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए दोस्तों, लाइक तब करिए जब एग्जाम देने के लिए आप जाओगे, एग्जाम देके आके लाइक मारिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मेरे को आइडिया है इसके अंदर से बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है। चलिए फ्रेंड, आज का पहला मॉक टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, टू होम इज हाई इंपैक्ट कॉस्ट बेनिफिशियली। दोस्तों हाई इंपैक्ट कॉस्ट का बेनिफिशियली कौन होता है? देखिए हाई इंपैक्ट कॉस्ट का बेनिफिशियली बायर भी नहीं होता है, सेलर भी नहीं होता है। तो पहला आंसर नंबर वन रॉन्ग, आंसर नंबर टू रॉन्ग, आंसर नंबर थ्री इज राइट, नाइदर नाइदर बायर और नॉट सेलर। देखिए देख लेते हैं, देखिए राइट आंसर इज थ्री, नो बायर नो सेलर। हाई इंपैक्ट कॉस्ट का बेनिफिशियली बायर भी नहीं होता है, सेलर भी नहीं होता है, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इनिशियल मार्जिन टू बी पेड इन डेरिवेटिव इज सेट ऑफ टेकिंग इनटू अकाउंट द वोलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइन मार्केट टू जनरली। दोस्तों देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है, लोअर द वोलेटिलिटी हायर द इनिशियल मार्जिन, रॉन्ग। हायर द वोलेटिलिटी लोअर द इनिशियल मार्जिन, ये भी रॉन्ग। हायर द वोलेटिलिटी हायर द इनिशियल मार्जिन, दोस्तों वोलेटिलिटी हाई होगा तो इनिशियल मार्जिन भी हाई होगा, इसलिए सो आंसर नंबर थ्री इज राइट। चलिए देख लेते हैं, देखिए राइट आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों, आप यहाँ पर सिर्फ पढ़ सकते हैं दोस्तों क्यों इसका आंसर ये राइट है, इसका आंसर ये भी है, एक्सप्लेनेशन करके दिया है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं आज का आंसर, क्वेश्चन नंबर थ्री, इज द रेशियो ऑफ चेंज इन द ऑप्शन प्रीमियम फॉर ए यूनिट चेंज इन वोलेटिलिटी। दोस्तों वोलेटिलिटी कौन चेंज करता है आपको पहले माइंड में रखना चाहिए, वोलेटिलिटी चेंज करता है ओनली वेगा, इसलिए राइट आंसर इज वीईजीए, वेगा। चलिए यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, वेगा इज द मेजर ऑफ सेंसिटिविटी ऑप्शन प्राइस ऑफ चेंज ऑफ मार्केट वोलेटिलिटी, तो डेफिनेटली आपको आंसर मिल गया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं, इन अ डेरिवेटिव एक्सचेंज टू नेटवर्क रिक्वायरमेंट फॉर द क्लियरिंग मेंबर इज हायर देन द नॉन क्लियरिंग मेंबर, यस राइट, नॉन क्लियरिंग मेंबर से ज्यादा पैसा लगता है दोस्तों क्लियरिंग मेंबर को, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा बात है, तो यहाँ पे इसलिए ट्रू आंसर ट्रू इज राइट। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव के अंदर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, देखिए द राइट फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फाइव द रिक्स एट फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, द रिक्स दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो। दोस्तों पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के बाद के द्वारा कौन सा रिस्क कंट्रोल नहीं किया जाता है दोस्तों, दोस्तों देखिए सिस्टमेटिक रिस्क कंट्रोल नहीं होता है दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन करके, तो इसलिए सिस्टमेटिक रिस्क इज राइट, आप डाइवर्सिफिकेशन करके अनसिस्टमेटिक रिस्क को कंट्रोल कर पाओगे दोस्तों। चलिए देख लेते हैं दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर सिक्स, कैन ए लॉन्ग पोजिशन इन ए पुट ऑप्शन कैन बी क्लोज बाई टेकिंग ए शॉर्ट पोजिशन इन ए कॉल ऑप्शन विथ एक्सट्रिकल एक्सरसाइज डेट एंड एक्सरसाइज प्राइस। दोस्तों देखिए कॉल ऑप्शन आपको क्लोज कॉल ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, पुट ऑप्शन आपको क्लोज पुट ऑप्शन से करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉल लॉन्ग और पुट शॉर्ट इज नॉट राइट, तो इसलिए आंसर इज नो। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन देख लेते हैं, आफ्टर द इनिशियल ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट द प्राइस ऑफ द अंडरलाइन एसेट हैज रेज इन दिस सिचुएशन, कौन सिचुएशन रेज होता है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे आंसर है, तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा, देखिए देख लेते हैं, आंसर नंबर फोर इज राइट होगा, ये लॉन्ग पोजिशन बीके में प्रॉफिटेबल। दोस्तों आप माइंड में रखिए लॉन्ग पोजिशन तो प्रॉफिटेबल होता है, तो इस पोजिशन देखिए आंसर नंबर चेक कर लेते हैं, देखिए राइट, यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं दोस्तों। चलिए उसके बाद दोस्तों आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर एट, देयर आर मेनी प्रोडक्ट इन द मार्केट व्हिच आर गिव द हाई रिटर्न इन रिस्क फ्री मैनर्स। दोस्तों कैसे होता है रिस्क फ्री हाई रिटर्न, ऐसा होता है दोस्तों हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है, लो रिस्क लो रिटर्न होता है, लेकिन हाई रिटर्न लो रिक्स कैसे होता है, रिक्स भी हाई रिक्स हाई रिटर्न कैसे होता है दोस्तों, चलिए इसका चलते ये आंसर फॉल्स होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा हाई रिक्स हाई रिटर्न,
लो रिस्क लो रिटर्न, लेकिन यहाँ पे लो, यहाँ पे क्या बोल रहा, हाई रिटर्न लो रिस्क, रिस्क भी हाई रिटर्न, सॉरी सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे क्या बोल रहा, देर आर मेनी प्रोडक्ट इन मार्केट विच गिव द हाई रिटर्न इन द रिस्क फ्री मैनर्स। चलिए उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल बी द डेल्टा फॉर ए आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन डेल्टा क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे डेल्टा होता है जीरो, डेल्टा क्या होता है आउट ऑफ द मनी जीरो, अब इसको माइंड में रखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद द टर्म मार्क टू मार्केट मीन्स, द टर्म मार्क टू मार्केट मीन्स क्या होगा दोस्तों, देखिए प्रोसेस बाय व्हिच ऑफ पोर्टफोलियो मैनर चेक इन द डेली प्रॉफिट लॉस, ये नहीं है दोस्तों, द करेक्ट करेंट स्पॉट इंडेक्स प्राइस नॉट, ये भी नहीं है दोस्तों, इमिग्रेशन फ्रॉम द ब्रोकर एंड क्लाइंट एडिशनल फंड, ये भी नहीं है दोस्तों, मेरे ख्याल से आंसर ये होगा, इन द एवरी डे ड्यूरेशन ऑफ द ओपन पोजिशन बाय द एक्सचेंज टू रिफ्लेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस इन द मार्केट, एवरी डे दोस्तों, इसलिए ये बात आप भी माइंड में रखिए, एवरी डे ये बात को माइंड में रखिए। चलिए आप यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, द मार्जिनिंग सिस्टम फॉर इंडेक्स फ्यूचर इज बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन क्या होगा दोस्तों, बेस्ड ऑन क्या होगा, मार्जिन इन एट रिस्क, प्राइस एट रिस्क, वॉल्यूम एट रिस्क या वैल्यू एट रिस्क, दोस्तों आप गेस करिए, गेस करिए, इसका आंसर दोस्तों होगा वैल्यू एट रिस्क। चलिए देख लेते हैं, देखिए वैल्यू एट रिस्क दोस्तों, यहाँ पे एज पर द रिकमेंडेशन फॉर डॉक्टर एलसी गुप्ता कमेटी, ये देख लीजिए दोस्तों, एलसी गुप्ता का बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों, एक बार माइंड रखिए, 99% मैथोलॉजिकल, ये भी इसका ऊपर भी क्वेश्चन आता है। चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे काट गया है, मिस्टर आशु हैज ब्रॉट 100 शेयर, आशु 100 शेयर बाय किया है एबीसी, कितना शेयर, 5 शेयर का कीमत है 980 रुपया, ही एक्सपेक्टेड द प्राइस विल बी गो अप बट वॉन्ट टू प्रोटेक्ट हिम प्राइस फेल, ही डज नॉट वॉन्ट टू लॉस मोर देन 1000, तो व्हाट्स विल डू, मतलब उसने यहाँ पे क्या बोला, आशु को, आशु 100 शेयर बाय किया है, 1 शेयर की कीमत है 980 रुपया, आशु को मालूम है मार्केट ऊपर जाने वाला, उसका उसका जो प्लानिंग है वो सोच रहा है मार्केट ऊपर जाने वाला, तो उसको क्या करना है, उसको लॉस 1000 से भी ज्यादा लॉस नहीं लेना, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, तो स्टॉप लॉस कितना लगाना पड़ेगा, इसके 1000 इससे इसके साथ इसका कितना काट से 1000 हो जाएगा, अगर 10 रुपया कम करेगा तो 10 × 100 कर 1000 हो जाएगा, इसलिए दोस्तों 10 रुपया नीचे उसको स्टॉप लॉस मानना पड़ेगा, तो आंसर नंबर सेकंड होगा राइट दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करके दिया दोस्तों। चलिए उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ए कॉल ऑप्शन गिव द बायर द राइट टू बाय द अंडरलाइन एट मार्केट प्राइस, ये गलत कर दिया, सब ठीक था मार्केट प्राइस जब बोल दिया मतलब ये गलत है दोस्तों, तो ये इसका आंसर होगा फॉल्स। देखिए दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ए ट्रेडर बाय ए जनवरी एबीसी स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एट 676767, इतना रुपया में से उसने बाय किया है एंड द लॉट साइज इज 1200, व्हाट विल बी द प्रॉफिट इज और लॉस इफ ही स्क्वायर ऑफ द पोजीशन 778, मतलब अगर उसने 768 में बाय किया है और 778 में सेल किया है तो उसको क्या होगा, उसको प्रॉफिट ही होगा, कम पैसे में बाय किया है ज्यादा पैसे में सेल किया तो प्रॉफिट ही होगा, यहाँ पे देखिए इसको माइनस करेगा तो 10 होगा, 10 के साथ 1200 इंटू करेगा तो 12000 होगा, तो इसका यहाँ पे भी देख लीजिए यहाँ पे कैलकुलेशन दिया गया है, आप एक बार चेक कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन क्या बोला है, ये प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर ऑफ डेरिवेटिव सेगमेंट, तो दोस्तों क्या होता है, शुड ऑल्सो बी ए मेंबर ऑफ कैश सेगमेंट, नहीं ये आंसर नहीं है, शुड ऑल्सो बी के मेंबर ऑफ कैश सेगमेंट विद इन 2 ईयर्स, ये भी नहीं है दोस्तों, प्रोवाइड ट्रेडिंग फैसिलिटी टू इट्स क्लाइंट, ये भी नहीं है दोस्तों, डज नॉट हैव एनी ट्रेडिंग राइट्स, दोस्तों यह राइट आंसर, एक प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर को दोस्तों ट्रेडिंग करने का राइट्स नहीं होता है दोस्तों। चलिए चेक कर लेते हैं, देखिए दोस्तों आंसर आ चुका है, देखिए यस मेरा आंसर इज राइट दोस्तों। चलिए चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, थ्रेडर इज द मेजर ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ एन ऑप्शन प्राइस ऑफ चेंज टू मार्केट वोलेटिलिटी, दोस्तों नहीं मार्केट वोलेटिलिटी कौन थेटा करता नहीं, वोलेटिलिटी होता है भेगा, इसलिए इसका आंसर होगा फॉल्स, देखिए यहाँ पे आ चुका है, देखिए भेगा इज द सेंसिटिविटी टू मार्केट वोलेटिलिटी। चलिए आपको मालूम चल गया दोस्तों, दोस्तों आपको किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए क्या बोल रहा, क्यों इसका आंसर है ये हुआ है, उसका भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच वन ऑफ दिस कॉम्प्लेन अगेंस्ट द ट्रेडिंग मेंबर कैन बी एक्सचेंज टेक ओवर द शेयर, कौन सा कॉम्प्लेन है दोस्तों, देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेन रिगार्डिंग लैंडिंग लैंड ड्रिलिंग, लैंड डीलिंग क्या होगा दोस्तों, लैंड डीलिंग नहीं होगा ना, कॉम्प्लेन इसका होता है कॉम्प्लेन रिस्पेक्ट टू द ट्रांजेक्शन हुई ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आर्बिट्रेज, ये भी नहीं है दोस्तों, क्लेम रिगार्डिंग नेशनल लॉस, लॉस तो कोई
बात ही नहीं, ये भी तो नहीं होगा। क्लेम रिगार्डिंग अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन इन द क्लाइंट अकाउंट, दोस्तों क्लाइंट अकाउंट में अगर किसी ने अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन करेगा तो ये बहुत बड़ा गलत काम होता है। इसलिए दोस्तों ये है राइट आंसर। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिए दोस्तों, आपको हर एक्सप्लेनेशन पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप पढ़ोगे तो अवश्य आपको और डीपली आइडिया होगा क्यों इसके आंसर ये है, तब तो आपको आइडिया होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इन इंडिया द क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ डेरिवेटिव ट्रेड वुड बी थॉट, दोस्तों क्लियरिंग किसके थॉट होता है, किसके द्वारा होता है दोस्तों? यहाँ पे ऑल्सो स्टेट बैंक नहीं करता है क्लियरिंग, तो इसका आंसर होगा सेबी अप्रूव क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग कौन करता है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन करता है, क्लियरिंग हाउस करता है ना, तो डेफिनेटली इसका आंसर होगा थ्री, थर्ड, सेबी, सेबी एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और क्लियरिंग हाउस, सेबी जिसको अप्रूव करता है दोस्तों। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और क्लियरिंग हाउस को अप्रूव लेना पड़ता है सेबी के पास से, तो डेफिनेटली इसलिए इसका आंसर होगा ये, तो आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। डेल्टा इज द चेंज ऑफ ऑप्शन गिव प्राइस गिव ए ऑन परसेंटेज पॉइंट चेंज इन द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, दोस्तों रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट डेल्टा, मेरे ख्याल से दोस्तों ये तो क्या होना चाहिए दोस्तों, ये तो फॉल्स होना चाहिए दोस्तों, फॉल्स, रिस्क फ्री डेल्टा नहीं होता दोस्तों, रिस्क फ्री होता है दोस्तों रो, रोज इज द चेंज ऑफ रिस्क, इसलिए डेल्टा नहीं है, डेल्टा मेजर ऑफ सेंसिटिविटी। चलिए उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कैन ए ट्रेडिंग मेंबर गिव फिक्स डिपोजिट एज पार्ट ऑफ लिक्विड एसेट ऑफ द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, यस इट्स राइट, इट्स राइट, तो इसका आंसर होगा यस। आप चाहे तो इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं दोस्तों। चलिए उसके बाद 21, क्वेश्चन नंबर 21, वेगा मेजर चेंज इन द डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द अंडरलाइन एसेट, दोस्तों आप एक बार आप खुद से एक बार ट्राई करिए क्या हो सकता है, खुद से ट्राई करिए दोस्तों। यस इट्स आंसर इज रॉन्ग, वेगा इज नॉट, वेगा इज नॉट दोस्तों, इसलिए दोस्तों देखिए वेगा आपको मालूम होगा वोलेटिलिटी, तो यहां पे वेगा नहीं है दोस्तों। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। 22 का क्या बोला, ए शॉर्ट पोजीशन इन ए पुट ऑप्शन कैन बी क्लोज बाय टेकिंग ए लॉन्ग पोजीशन सेम पुट ऑप्शन आल्सो, दोस्तों ये राइट आंसर, राइट आंसर, क्योंकि दोस्तों आप पुट बाई करके पुट सेल कर सकते हैं, पुट बाई करके कॉल सेल करने के लिए जाएगा सेम, तो ये कैसे होगा, इसलिए इसका आंसर होगा ट्रू, पुट सेल पुट बाय। चलिए देखिए दोस्तों आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, ये फाइनल सेटलमेंट द बायर और होल्डर, दोस्तों बायर और होल्डर एक ही होता है, सेम होता है, ऑफ द ऑप्शन विल रिकॉग्नाइज द फेवरेबल डिफरेंस रिसीव फ्रॉम द सेलर ऑफ राइटर एश डॉट डैश इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये यहाँ पे इनकम होगा दोस्तों, इनकम। चलिए देख लेते हैं, यस मेरा आंसर इज राइट दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे इनकम बोला गया, तो आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों उसका देख बात देख लेते हैं आंसर, क्वेश्चन नंबर 24, हायर द स्ट्राइक प्राइस द प्रीमियम ऑन कॉल ऑप्शन विल बी डिक्रीज, ये कैसे होगा दोस्तों, हायर द स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन विल बी डिक्रीज, यस ट्रू, इट्स आंसर इज ट्रू, हायर द स्ट्राइक प्राइस, प्राइस हायर होगा तो कॉल ऑप्शन प्रीमियम विल बी डिक्रीज, आंसर इज ट्रू। चलिए दोस्तों आप एक इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25, ट्रेडिंग इज अलाउ इन द इंडियन इक्विटी मार्केट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किसको अलाउ, कौन सा किसको अलाउ होता है, इंडेक्स ऑप्शन ऑप्शन ऑल्सो अलाउ होता है, इंडिविजुअल स्टॉक ऑप्शन ऑल्सो अलाउ होता है, इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर ऑप्शन अलाउ होता है, मतलब सब अलाउ होता है, मतलब ऑल ऑफ अबव, मतलब ऊपर में जितना है सब पूरा है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, कैन द एक्सरसाइज प्राइस बी मोर देन द इक्वल टू और लेस देन द कैश स्पॉट प्राइस, मेरे ख्याल से आप गेस करिए दोस्तों, गेस करिए, गेस करिए, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ दोस्तों, आप गेस करिए। चलिए दोस्तों आंसर होगा राइट, अभी आप इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, कैन वन सेल एसेट इन फ्यूचर मार्केट इवन इफ ही डज नॉट ओन एनी सच ऑफ एसेट, दोस्तों आप सेल कर सकते हैं अगर आपके पास कोई एसेट नहीं रहेगा दोस्तों, होता है दोस्तों, सेल आप कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, फ्यूचर में आपके ना आप सेल कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, अगर आपके पास नहीं भी रहेगा तभी आप सेल कर सकते हैं, इसलिए आंसर होगा यस, यस। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 28, ऑन डेरिवेटिव फ्यूचर मार्केट इफ देयर आर दिस सीरीज ऑफ 1, 2 and 3 मंथ ओपन एट द पॉइंट ऑफ टाइम हाउ मेनी कैलेंडर स्प्लिट कैन बी हैव, कैलेंडर स्प्लिट 3 मंथ के अंदर कितना हो सकता है दोस्तों, दोस्तों तीनों होगा, एक के साथ आप 2 कर सकते हैं, 2 के साथ 3 कर सकता है, 1 के साथ 3 कर सकता है, ऐसा हो सकता है। चलिए 3 देखिए दोस्तों, 1 के साथ 2 हो सकता है, 2 के साथ 3 और 1 के साथ 3 हो सकता है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ऑल द 50 स्टॉक ऑफ एनएसई निफ्टी इंडेक्स आर इक्वालिटी वेटेज विद कैलकुलेट द इंडेक्स। दोस्तों नहीं है, इंडेक्स निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक इक्वल वेटेज नहीं है दोस्तों, गलत है दोस्तों, आंसर होगा फॉल्स। चलिए दोस्तों आप यहां पे इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हो दोस्तों। चलिए उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट डस एंड कॉल ऑप्शन गिव द बायर राइट्स। दोस्तों कॉल ऑप्शन बायर का क्या राइट देता है, द राइट पहले वाला जो क्वेश्चन आंसर है राइट, देखिए द राइट बाय नॉट द ऑब्लिगेशन, तो बायर राइट है राइट टू बाय बट नॉट द ऑब्लिगेशन, तो ये आंसर नंबर 1 इज राइट। चलिए आप यहां पे इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। तो चलिए उसके बाद देख लेते हैं 31, क्वेश्चन नंबर 31, स्पेकुलेटर आर हु टेक रिस्क हाउ वेल हेजर आर हु विश टू रिड्यूस रिस्क। दोस्तों ये राइट है, स्पेकुलेटर के ऊपर रिस्क हेजर्स डाल देते हैं, रिक्स रिड्यूस करता है दोस्तों, तो डेफिनेटली यहाँ पे स्पेकुलेटर ज्यादा रिक्स ही होता है, हेजर्स मतलब तो हेज करेगा, उसका रिक्स तो बहुत कम रहेगा, रिक्स ना के बराबर आप बोल सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ट्रू। देखिए दोस्तों एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते, मेरा आंसर इज करेक्ट। चलिए उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32, द मनी एंड सिक्योरिटी व्हिच आर द डिपॉजिट इन द क्लाइंट अकाउंट क्या होगा। दोस्तों देखिए इसके पढ़िए, कैन बी अटैच फॉर मीटिंग द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टॉक ब्रोकर ऑन हिज प्रॉपर्टी अकाउंट, ये नहीं है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर टू देख लेते हैं, कैन नॉट बी अटैच, ये आंसर है मेरे ख्याल से राइट हो, कैन नॉट बी अटैच फॉर मीटिंग द ऑब्लिगेशन ऑफ द मार्केट ऑन हिज प्रॉपर्टी अकाउंट इज राइट आंसर इज टू। देखिए दोस्तों आप यहाँ पे इससे एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं, 33 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोला, इन केस देयर इज ए स्टॉक स्प्लिट ऑफ कंपनी व्हिच ऑफ द पार्ट ऑफ इंडेक्स व्हाट दैट विल इट्स इंपैक्ट ऑन द इंडेक्स वैल्यू। दोस्तों अगर इंडेक्स के अंदर किसी भी स्टॉक है उसका अगर स्टॉक स्प्लिट होगा तो इस इंडेक्स का कोई इंपैक्ट होगा, कुछ इंपैक्ट नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है, सिर्फ स्टॉक को एक स्टॉक की जगह दो हो सकता है, चार हो सकता है, लेकिन स्टॉक का भाव कम हो जाएगा, अप डाउन होगा, लेकिन दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो सेम रहेगा, स्टॉक ज्यादा होगा प्राइस कम हो जाएगा, लेकिन टोटल इंडेक्स में अगर आपको 1 लाख का तो 1 लाख ही रहेगा, इसलिए दोस्तों इसका आंसर होगा द इंडेक्स वैल्यू विल बी रिमेन अनचेंज, चेंज नहीं रहेगा। देखिए चलिए इसको देख लेते हैं आंसर, देखिए राइट आंसर मैंने जो दिया वो भी राइट है दोस्तों। टाइम डिके इज बेनिफिशियल टू द, टाइम डिके किसको प्रॉफिट, टाइम डिके किसके लिए बेनिफिशियल होता है, किसके लिए दोस्त होता है दोस्तों, टाइम डिके ऑल टाइम माइंड में रखिए, टाइम मतलब सेलर, टाइम डिके ऑलरेडी बायर का एनिमी होता है तो सेलर का दोस्त होता है, इसलिए टाइम डिके ऑलरेडी बेनिफिशियल टू सेलर। देखिए चलिए देख लेते हैं, देखिए राइट आंसर। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट व्हिच रिस्पेक्ट टू ए पुट ऑप्शन, इसके अंदर ट्रू कौन सा दोस्तों, कौन सा फॉल्स है, एक बार देख लीजिए, इसके अंदर एक ट्रू होगा, चारों के अंदर एक फॉल्स होगा। चलिए, इन ए पुट ऑप्शन बोथ बायर एंड सेलर हैव द ऑब्लिगेशन, ये नहीं है, गलत है, ए पुट ऑप्शन विल गिव द बायर राइट्स बट नॉट ए ऑब्लिगेशन, मेरे ख्याल से यही सही होगा, ज्यादा दूर जाके कोई फायदा नहीं। 35 का जो आंसर होगा, आंसर नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। चलिए देख लीजिए तो आप यहाँ एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, मिस्टर मिलियन हैज बॉट ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड द प्राइस रेज, व्हाट विल बी केस। दोस्तों उसने बाय किया, प्राइस ज्यादा हो गया तो उसको फायदा हुआ ना, बाय किया प्राइस ज्यादा होगा तो फायदा हुआ, तो यहाँ पे मेक अ प्रॉफिट होगा, ये तो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ने का जरूरत नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, आप देख लीजिए, हाउ इज द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट which is for hedging purpose counted for in the book of accounting। दोस्तों यहाँ पे इसका देख लीजिए दोस्तों, the premium or discounted will show in the profit and loss, ये गलत है दोस्तों, the premium or discounted will be ignored for the account, ये भी गलत है दोस्तों, the premium or discount will be amazing over the life of contract। दोस्तों question answer number 3 is right, चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों देखिए आप इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। चलिए उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, आप देख लीजिए, ये डेरिवेटिव मार्केट हेल्प इन ट्रांसफरिंग द रिस्क फ्रॉम, दोस्तों डेरिवेटिव मार्केट में ट्रांसफर रिस्क फ्रॉम किसके साथ, देखिए स्पेकुलेटर, देखिए हेजर्स टू स्पेकुलेटर, यहाँ पे रिस्क पैकेट हेजर, एक बार माइंड में रखिए, हेजर्स स्पेकुलेटर के ऊपर करता है, तो यहाँ पे आंसर होगा फोर्थ वाला आंसर राइट होगा। देखिए दोस्तों आप देखिए यहाँ पे आ चुका है इसका आंसर राइट। चलिए आप इसके एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए उसको चलिए फोन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39, व्हिच ऑफ दिस ऑप्शन इज एन एग्जांपल ऑफ द कैलेंडर स्ट्रीट।
दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने देखने को मिला, लेकिन दोस्तों आपको 1 मंथ या अनदर मंथ जहाँ पे वो आपको माइंड में रखना चाहिए, अनदर मंथ। देखिए दोस्तों अनदर मंथ और 1 मंथ, दोस्तों देखिए 1 मंथ मतलब आंसर नंबर 3 इज राइट। बाय ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 मंथ एंड सिमिलरली सेलिंग द ओवर प्राइस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अदर अनदर मंथ, दोस्तों आंसर इज 3 राइट। चलिए दोस्तों यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, मिस्टर कोबिता वांट टू सेल ऑन ए फ्यूचर मार्केट फॉर इज ऑन फॉर दिस सी, तो मतलब दोस्तों अगर उसको सेल करना है तो उसको क्या स्टॉक रहना चाहिए क्या नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए पहले आंसर राइट हो गया, नीड नॉट ऑन द अंडरलाइन, मतलब आपको शेयर अंडरलाइन नहीं चाहिए, अंडरलाइन नहीं है उसे भी आप सेल कर सकते हैं दोस्तों। मतलब फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर इज राइट, आप इसका एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों, आपको और भी डीपली आइडिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, द डेरिवेटिव मार्केट हेल्प इन, डेरिवेटिव मार्केट क्या हेल्प करता है, ट्रांसफर टू रिस्क फ्रॉम हुज आर द एक्सपोज द रिस्क बट हैव लो रिस्क एप्लीकेशन ऑफ द पार्टिसिपेंट विद द रिस्क, ये भी सही है, रियलाइज द रिस्क ये भी सही है, मतलब बोथ ए एंड बी बोथ आर राइट आंसर, तो बोथ राइट आंसर, मतलब आप आंसर नंबर 3 सिलेक्ट करिए। चलिए तो आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट द ऑप्शन, इसके अंदर कौन सा फॉल्स है दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। फर्स्ट वाला ऑप्शन आप देख लीजिए कमर्शियल रिकमेंडेशन, ये भी नहीं है बायर, ये भी नहीं है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, मतलब ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से 4 इज फॉल्स। देखिए दोस्तों यस मेरा आंसर इज राइट, आंसर नंबर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हैव लाइनर पे ऑफ, ये है फॉल्स। चलिए आप इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, आप इसको माइंड में लगा के रखिए। स्कोर, स्कोर होता है सेबी का दोस्तों कंप्लेन का जो वेबसाइट, स्कोर इज द नेम ऑफ गिव सेबी वेब बेस्ड कंप्लेन सर्वे सिस्टम, दोस्तों ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत टाइम टाइम आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप ध्यान पे रखिए। ये ट्रेडिंग मेंबर ईच हिज पर्सन तो राइट आंसर क्या होगा, नॉट बी एबल टू ओपन न्यू पोजीशन, अगर आपके पास नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा तो आपको ओपन पोजीशन नहीं ओपन होगा ना, तो इसलिए आंसर नंबर 4 इज राइट, आप इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। चलिए एक बार मोस्ट इंपॉर्टेंट भी एक क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे, ए कैलेंडर स्प्रिट इन इंडेक्स फ्यूचर विल बी ट्रेड एज नेकेड, दोस्तों देखिए कैलेंडर स्प्रिट ऑल टाइम नेकेड के साथ अटैच होता है, तो इस वाला क्वेश्चन का आंसर मेरे ख्याल से नेकेड होगा। फॉर इन ए फॉर मंथ कॉन्ट्रैक्ट इफ द नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सपायर, मेरे ख्याल से नेकेड होगा राइट आंसर, आप देख लीजिए दोस्तों, इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं दोस्तों। चलिए उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46, द क्लियरिंग मेंबर इज फ्री टू क्लोज आउट ट्रांजेक्शन ऑफ ए ट्रेडिंग मेंबर इफ, यहाँ पे दोस्तों ट्रेडिंग मेंबर हैज बीन नॉट पेड इनिशियल मार्जिन, मानी द ट्रेडिंग मेंबर हैज नॉट पेड डेली स्टेटमेंट ड्यू टू इन बोथ द अबव, दोस्तों दोनों सिचुएशन पे हो सकता है, दोनों सिचुएशन में, इसलिए आंसर होगा 3 बोथ। चलिए दोस्तों आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 दोस्तों आ चुका है, आइडेंटिफाई द कॉन्टैक्ट व्हिच आर द क्लियर एंड सेटलमेंट बाय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायलेटरली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये माइंड में रखिए, इसका रिगार्डिंग क्वेश्चन आ भी सकता है दोस्तों, इसका आंसर होगा डायरेक्ट दोस्तों 3 मंथ, देख लीजिए दोस्तों मैं इसका आंसर बहुत ही जल्द सोर्स में याद था, 3 मंथ फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट बाय स्विच फेश अगेंस्ट द इंडियन रुपीज, तो इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, When the volatility of the underlying stock decrease, the option premium will be decreased, also decrease. तो normal बात है, ये most important question होता है, question होता है, ये बहुत time आ भी सकता है इसको। An European call option give the buyer the right buy, not the obligation to buy from the seller and underline at the strike price. दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए क्या होगा, इसका answer आपको आपको time दे रहा हूँ, एक बार देखिए इसका answer क्या हो सकता है दोस्तों, इसका answer हो सकता है ancient number 1, only the expired date, European only expired date, और अमेरिकन दोस्तों only expired date नहीं रहेगा, अगर any day हो रहेगा तो मतलब सोच लीजिए दोस्तों अमेरिकन है, और only रहेगा तो European है, European के साथ दोस्तों इंडियन मार्केट का भी दोस्ती है, European मार्केट इंडिया फॉलो करता है दोस्तों, इसलिए इन फ्यूचर ट्रेडिंग द मार्जिन पेड बाई
फ्यूचर ट्रेडिंग है मार्केट दोस्तों दोनों को पेट काटना पड़ता है, बायर को भी सेलर को भी, इसलिए दोस्तों यहाँ पे आंसर देखिए बोथ बायर एंड सेलर। चलो दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए, 50 नंबर बहुत ही अच्छा है, 49 भी बहुत ही अच्छा है दोस्तों, ये भी माइंड में रखिए। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बोलना चाहता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, कैलेंडर स्पीड 45 वाला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्कोर मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए उसके बाद देख लेते हैं, ये वाला भी देख लीजिए दोस्तों, अगर आपके पास नहीं रहेगा तब भी आप सेल बाई कर सकते हैं, ये भी देख लीजिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट कौन सा है दोस्तों, ये अच्छा वाला है ये दोस्तों, ये आपको डैश देकर दे सकते हो सकता है ये डैश दिया फिर डैश दिया, दो डैश दे सकता है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होता है आ भी सकता है दोस्तों, इसलिए इसको ध्यान से रखिए। ये डेली डेरिवेटिव मार्केट हेल्प टू ट्रांसफरिंग फ्रॉम रिक्स फ्रॉम किसके किसका रिक्स किसके से किसको पास ट्रांसफर किया जाता है दोस्तों, स्पेकुलेटर्स हैज स्पेकुलेटर के ऊपर करते हैं दोस्तों, ये बात माइंड में रखिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट कौन सा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपके सामने देना चाहती हूँ दोस्तों, यहाँ पे टाइम डीके इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी माइंड में रखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा है दोस्तों। उसके बाद ये भी देखिए, ये भी व्हाट डज द कॉल ऑप्शन गिव द बायर राइट्स, ये तो बहुत ईजी है लेकिन तब भी ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको यहाँ पे कैलेंडर स्पीड कितना कैलेंडर स्पीड हो सकता है, तीनों है ये देख लीजिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों चलिए थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, ये वाला जो डैश है फिल इन द ब्लैंक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 23 वाला जो इनकम जो मैं दिया गया ये वाला भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये वाला भी दोस्तों चलिए और देख लेते हैं दोस्तों, ये जो मैथमेटिकल है दोस्तों देखिए 14 वाला जो क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन आ भी सकता है दोस्तों इसको, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा आप देखिए। और उसके बाद ये भी दोस्तों 12 बारह बारह वाला जो प्रश्न है इसका भी क्वेश्चन आ भी सकता है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत टाइम नोसी में रहेगा तो आ भी सकता है दोस्तों। चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आउट ऑफ द मनी जो डेल्टा क्या होता है, इन द मनी डेल्टा क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट जितना वीडियो और भी मॉक टेस्ट आएगा दोस्तों एक एक करके मॉक टेस्ट के अंदर मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम जितना हो सकता है कवर करने के लिए, क्योंकि दोस्तों मेरा मॉक टेस्ट अगर आप पूरा कंप्लीट करके जाओगे मैं कोशिश करता हूँ आपको बहुत सारा यहाँ पर से आपको कॉमन मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा है। चलिए चलिए फिर मिलते हैं नए मॉक टेस्ट के साथ। फ्रेंड अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपनिंग करना है आप जीरो तक अंदर डीमैट अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जीरो तक अंदर आपको 2-in-1 अकाउंट मिलता है दोस्तों, म्यूचुअल फंड का फैसिलिटी, FNO में ट्रेड करने का फैसिलिटी, ऑटोमेटिक डिविडेंड आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है दोस्तों, MTF का फैसिलिटी दोस्तों, डिलीवरी में आपको ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा, ब्रोकरेज जीरो है दोस्तों, बहुत तरह का फैसिलिटी मिलता है, इसलिए दोस्तों आप चाहे तो जीरोधा के अंदर डीमैट अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों, इस लिंक पे क्लिक करके आप जीरोधा के अंदर डीमैट अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग का टाइम पे दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत होता है आप कस्टमर सर्विस पे भी कॉल कर सकते हैं, नहीं तो मेरे को भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको फुल गाइड करूंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नया वीडियो के साथ।